हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of April टू 20th of April। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, ले लेते हैं इस कार्ड को। लव मैसेजेस फॉर टॉरस 11 टू 20 अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। अब टॉरस देखिए, साइंस थोड़े मिक्स्ड ही हैं, यहाँ पे सारे ही साइंस हैं ऑलमोस्ट, तो मैं साइंस पे इतना फोकस नहीं करूंगी, मैसेजेस पे फोकस करते हैं। रिकंसिलिएशन हो सकती है आपकी, किसी अपने पास पर्सन से रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पर्पस ड्रिवन होने की जरूरत है। मे बी रिकंसिलिएशन अगर आप अपने किसी पुराने पास पर्सन से कर भी रहे हैं तो भी पर्पस अपना क्लियर रखिए। अगर उस इंसान के साथ वापस आ रहे हैं और आपको आगे जाके लेट से मैरिज चाहिए, एंड रिजल्ट उस रिलेशनशिप का मैरिज चाहिए, तो वो क्लैरिटी रखिए कि हाँ ठीक है, हम वापस आ जाएंगे, बट दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, फ्रॉम अस। ठीक है, तो वो पर्पस ड्रिवन जरूर रहिएगा, वो कहीं पे खत्म मत करिएगा अपना पर्पस कि नहीं क्योंकि मुझे याद बहुत आ रही है तो चलो ठीक है दोबारा उस इंसान के संग चले जाते हैं वापस, बट पर्पस भूल जाए अपना। नहीं, पर्पस ड्रिवन हमेशा रहिएगा कि मेरा पर्पस क्या है एक कंपेनियन का, मेरा पर्पस क्या है एक जॉब का, मेरा पर्पस क्या है हील करने का। तो हीलिंग चल रही है, पर्पस ड्रिवन होने की जरूरत है, रिकंसिलिएशन भी दिख रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ा मॉडरेशन में करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में मत जाइएगा कुछ करते हुए। ठीक है, लग्जरी दिख रही है, हीलिंग भी दिख रही है, डेफिनेटली लग्जरी एंड हीलिंग है। काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप, हो सकता है आप रिकनसाइल कर रहे हैं बट अपनी टर्म्स पे कि ये चीजें नहीं होंगी तो मैं रिकनसाइल नहीं करूंगा, तो थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मदरली इंस्टिंक्ट दिख रही है आप में से कई लोग, हो सकता है बेबी को बर्थ दे रहे हो, प्रेग्नेंट कंसीव, कुछ प्रेगनेंसी वगैरह कुछ वाइब हो सकती है, बट मुझे लग्जरी हीलिंग, मुझे प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। मतलब ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में अपने लव या रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है और कौन आपको जेन्युइनली प्यार करता है। मैन्युपुलेशन की वाइब है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई मैन्युपुलेट कर रहा है आपको, एंड आप उस चीज को समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप समझोगे नहीं उस चीज को। ठीक है, तो आपको वो मैन्युपुलेशन वाली चीज, मैन्युपुलेशन, झूठ, सच, ट्रिक करना, ट्रिक्स प्ले करना, माइंड गेम्स खेलना, वो सब एनर्जी आपको समझ आ जाएगी तो आप उसमें फंसोगे नहीं। एंड आई थिंक यू आर बींग वेरी स्मार्ट, वेरी प्रैक्टिकल इन द नेक्स्ट 10 डेज व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो मैन्युपुलेशन से भी आप बच जाओगे। कोई जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकता है मैन्युपुलेट करने वाला इंसान, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है कोई जो रिकनसाइल करने के लिए वापस आए। देखते हैं अब हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स टॉरस। एरीज की क्या एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स टॉरस। टाइम फॉर अ लव फेस्ट एरीज के लिए आप एक ऑप्शन है, एंड आई थिंक उनका लव फेस्ट चल रहा है एंड आप भी एक ऑप्शन ही है बाकी सारे ऑप्शंस में से। टॉरस की क्या एनर्जी, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। म्यूचुअल फीलिंग्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर टॉरस एंड इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स देम, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन देम, इफ यू लव देम, वट एवर योर सिनेरियो इज, योर सिचुएशन इज, द फीलिंग इज म्यूचुअल। वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी फीलिंग है वैसी उनकी फीलिंग है। जेमिनाई की क्या इंटेंशन, एनर्जी, फीलिंग्स, वाइब्स टुवर्ड्स टॉरस। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं जेमिनाई आपसे कि फॉरगिव कर दें एंड दोबारा से रिलेशनशिप में एंटर करें। ठीक है, लाइक चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, भूल जाओ पुरानी बातों को। अब जेमिनाई फॉरगिवनेस तो मांग रहे हैं बट जेमिनाई यहाँ पे मैनिपुलेटिव भी दिख रहे हैं, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपको आगे अपनी लाइफ के संग क्या करना है। कैंसर की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। कोई अच्छी चीज है जो कैंसर ने अभी आपसे छुपाई हुई है, अभी नहीं बताई है। कोई गुड न्यूज हो सकती है जो वो आपको थोड़े टाइम बाद बताएंगे, या फिर उनकी अपनी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने अभी तक आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करी है, नहीं बताया है कि वो आपको कितना पसंद करते हैं।
बट कोई एक अच्छी चीज है जो कैंसर आपको नहीं बता रहे हैं, अभी टाइम आने पे बताएंगे। लियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स। टॉरस, कोई सरप्राइज देने वाले हैं लियो आपको। टॉरस, ये सरप्राइज कुछ इवेंट प्लान कर रहे हैं, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट हो सकता है, कुछ प्लानिंग हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, मे बी कोई स्पेशल डे आने वाला है, बट सरप्राइज है ऑन इट्स वे। वर्गो की क्या इंटेंशन, एनर्जी, फीलिंग्स, वाइब्स टुवर्ड्स टॉरस। वर्गो से आपको एक बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। टॉरस, ये आपके साथ साथ चलते रहेंगे, जहां आप जाओगे वहां पे वर्गो होगा, नॉट लाइक इन अ क्लिंगी वे, बट आपको कभी भी अकेला नहीं फील होगा। आपको अगर कोई शेयर करने के लिए कोई एक और कंधा चाहिए होगा या कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, वर्गो। लीब्रा की क्या एनर्जी, वाइब्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। कोई एक चीज है जो लीब्रा आपको अभी नहीं बता रहे हैं, बट आपको बाद में पता लगेगी। लीब्रा की जो फीलिंग्स है, मे बी वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको बाद में पता लग जाएगा कि लीब्रा आपको कितना पसंद करते हैं। बट देर इज समथिंग दैट यू डोंट नो येट, लाइक राइट नाउ यू डोंट नो अबाउट इट, ग्रेजुअली यू विल। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। लव मैग्नेट बन रहे हैं आप। टॉरस, स्कॉर्पियो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू आर पुलिंग देम टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो बहुत सॉलिड अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो एंड टॉरस के बीच में। सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ बहुत डिफरेंट कर रहे हैं आपके लिए, बट हो सकता है वो खुद भी हैरान हो जाए कि उन्होंने ये क्या कर दिया, बट कुछ तो हैरान होने वाली चीज करने वाले हैं सैजिटेरियस। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। देखिए, ये कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज है आप में से कई लोगों के लिए जिनके एक्स केप्रिकॉन थे। अगर आप को लगता है कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, वेदर दिस पर्सन हैज मूव्ड ऑन और नॉट, नो दे हैवेंट मूव्ड ऑन येट। इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, तो वो अभी भी आपको पसंद करते हैं, अभी भी आपको प्यार करते हैं। एंड अगर वो एक टाइम पे आप को प्यार करते थे तो अभी तक मूव ऑन नहीं करे हैं। एक्वेरियस की क्या एनर्जी, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। एक्वेरियस को लगता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं, वो क्वालिटी हैं जो एक कंपेनियन में होनी चाहिए रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छे कंपेनियन में अच्छी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए जो एक क्वालिटीज चाहिए वो आपके अंदर हैं। एंड आई थिंक वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर सॉर्ट ऑफ मानते हैं। पाइसिस की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस। ये हाँ, देखिए पाइसिस एंड आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है लाइक फ्रेंड्स जैसे कंफर्टेबल होते हैं ना एक दूसरे के संग। सेफ स्पेस होता है, कंफर्ट जोन होता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई फेक नहीं कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। तो वो वाली चीज है पाइसिस एंड टॉरस की, आप दोनों को कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं रहती है, बहुत ही फ्रेंडली वे में आप दोनों पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, रोमांटिक पार्टनर्स हैं, बट फ्रेंड्स ज्यादा है। मे बी फ्रेंड्स पहले रहे हों, फिर उसके बाद यू माइट हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, दैट्स इट मोर और लेस, मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। टॉरस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।